दोस्तों, क्या आपके फोन में तरह तरह के ऑफर के मैसेज आते हैं? अगर आते हैं दोस्तों, तो आप साइबर क्राइम के खतरे में हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि दोस्तों, रिपोर्ट के हिसाब से ये पता चल रहा है कि 80% जो साइबर क्राइम होते हैं, वो तरह तरह के ऑफर दिए जाते हैं और वहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके लाइफ में कोई क्लिक करके चल जाए। अपने लापरवाही का नतीजा है। तो इस तरह की कुछ अपडेट है। अगर इस तरह का अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी भी तरह का मैसेज वगैरह आ रहा है, मतलब दोस्तों उस नाम से आ रहा है, उनका तो आता नहीं है, कौन है ये लोग, उनका नाम से आ रहा है और नीचे लिखा आ रहा है कि भैया लिंक पे क्लिक कर रहे बेस्ट ऑफर के लिए, तो दोस्तों मत करिएगा, वरना दोस्तों आपके लाइफ में कोई क्लिक करके चल जाएगा। समझ रहे हो आप दोस्तों, बचिए और दूसरों तक भी ये टेक न्यूज पहुंचाइए। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या भीख मांगने का? तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे टेक बॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग में, काफी जबरदस्त वीडियो डाल दिया दोस्तों। MIUI 14 का फाइल मैनेजर आया, जाके देख लीजिए। आप बात करते हैं पोल की, हमने आपसे पूछा था कि इन चीजों में से आपके पास क्या है। 63% लोगों ने कहा वही ठग लाइफ में थे दोस्तों, जो अल्ट्रा लेजेंड बोले कि भैया कुछ नहीं है, चीटिंग करता है तू। बाकी के 24% लोगों ने कहा कि स्मार्ट टीवी उनके पास है। कुछ दोस्तों लोग 9% ऐसे हैं जो स्मार्ट वॉच यूज करते हैं। आप दोस्तों क्या यूज करते हैं स्मार्ट में? वैसे आप स्मार्ट है या नहीं कमेंट में जरूर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 5G की। 5G का दोस्तों ऐसा कहना है कि 2023 तक पूरे इंडिया में 5G दोस्तों रोल आउट हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों एंड तक। वही दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि BSNL जनवरी तक 4G सर्विस लाने वाला है। यही नहीं, अभी और सुनिए, और 2023 का दोस्तों अगस्त तक 5G रोल आउट कर दिया जाएगा BSNL की तरफ से। इस तरह की कोई न्यूज निकल के आ रही है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, जब इंडिया में होगा इस तरह का, मतलब 2023 तक पूरे इंडिया में 5G लॉन्च होगा, तो ये लोग अभी तक 4G में क्यों लटके हैं? कहां से आते हैं, इसकी वजह क्या है कमेंट में जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं एलन भैया की। एलन भैया का जो स्टार लिंक है, जानते हैं आप एलन मस्क के बारे में बात कर रहे हैं, इनका दोस्तों जो स्टार लिंक है उसका इंटरनेट स्पीड आपको पता है? चलिए बता देते हैं। फ्लाइट में दोस्तों इसका स्पीड है 350 MB/s, इस तरह के दोस्तों स्पीड नापी गई है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, जमीन में मतलब स्टेबल एरिया में इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए कमेंट में जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं इंटेल की। इंटेल ने 13th generation वाला CPU लॉन्च कर दिया दोस्तों, मतलब जो डेस्कटॉप वर्जन होता है वो लॉन्च कर दिया है, जिसमें 24 कोर और 32 थ्रेड के साथ आता है और इसकी स्पीड जो है दोस्तों 5.8 GB/s। और यहाँ पर दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि ये i5 और i9 के साथ दोस्तों देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए दोस्तों? एक किडनी, दूसरा किडनी या आपका बी किडनी? नहीं, कमेंट में। चलिए दोस्तों बात करते हैं जियो की। जियो का दोस्तों ऐसा बोलना है कि उनका जो जियो बुक है वो उनके स्टोर और जियो मार्ट में दोस्तों लिस्ट हो गया है। 15,000 का रेंज है, जाइए खरीदिए, बाय करिए और बताइए दोस्तों आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप एंड्रॉइड की। एंड्रॉइड 13 का दोस्तों गो एडिशन रोल आउट होना शुरू हो गया दोस्तों, बहुत सारे फोन में देखने को मिल रहा है, आपके फोन में मिला या नहीं, लेकिन ये गो एडिशन जो है दोस्तों जनरली 5-6 हज़ार के रेंज में जो फोन आते हैं उसमें रहता है। आपकी जो भी राय है कमेंट में। चलिए दोस्तों बात करते हैं एप्पल की। iPhone SE 4, ये जो है दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि 6.1 इंच के साथ आएगा दोस्तों, और देखने में iPhone XR के जैसा लग रहा है 100%। आपको क्या लगता है, वही दोस्तों चिप नहीं दे रहा फिर से? ये लोग कैमरा घसकाते हैं और 13 से 14 हो जाता है, फिर 14 से 15 में कैमरा को ऊपर कर देंगे, नीचे में दोस्तों लेडार सेंसर दे देंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 16 में क्या होगा कि लेडार सेंसर को हटा देंगे तो 16 हो जाएगा, 17 में क्या करेंगे, सिर्फ लेडार सेंसर रहेगा, कैमरा हट जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का मामला चलते रहता है एप्पल के साथ। आपको जो भी लगता है कमेंट में जरूर। चलिए दोस्तों वक्त होता है आपके सवाल लेने का। तो सुभजीत संतरा भाई का सवाल है कि Redmi Note 10 Pro पे ये फ्री फायर खेलते हैं तो DPI को 420 से 480 या 440 तक रखेंगे तो फोन में कोई प्रॉब्लम होगा, डेड वगैरह तो नहीं होगा? नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा, फोन थोड़ा ज्यादा हीट होगा लेकिन दोस्तों जबरदस्त चलेगा मक्खन का जैसा, कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसा भी दोस्तों DPI करके प्ले कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब नथिंग की। नथिंग का फोन 1 जो है दोस्तों उसमें नया अपडेट आया है जिसके हिसाब से जियो का 5G इसमें सपोर्ट करेगा। वहीं दोस्तों नथिंग का एयर स्टिक जो है दोस्तों आने वाला है, एक स्टिक टाइप का, उसका फर्स्ट लुक देखा जा रहा कुछ इस तरह का, और 26 अक्टूबर को ये लॉन्च हो जाएगा। आप दोस्तों इंटरेस्टेड रखते हैं इसके लिए कमेंट में जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं ओप्पो की। ओप्पो का दोस्तों फाइंड N2 ये जो है दोस्तों 8th generation OnePlus प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा और इस बार 7 इंच का दोस्तों डिस्प्ले होगा। आपको क्या लगता है इंडिया में ये आएगा या नहीं कमेंट में जरूर। वहीं दोस्तों बात करते हैं ओप्पो वॉच SE, चाइना में लॉन्च हो चुका है दोस्तों, इसकी जो प्राइस
ऐसा बताया जा रहा है कि 8 से 9 हजार के रेंज में आएगा, लेकिन देखने में और लुक लाइक में कुछ इस तरह का लग रहा है। आपको क्या लगता है इंडिया में आएगा, तो आप वॉच पे वॉच रखेंगे कमेंट में जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं वन प्लस की। वन प्लस का 11 सीरीज जो दोस्तों आने वाला है, उसमें से वन प्लस 11 जो होगा LPTO वाला स्क्रीन कर्व्ड स्क्रीन के साथ आएगा दोस्तों, 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले होगा। वहीं दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि इसका कैमरा काफ़ी खतरनाक होने वाला है, 50 मेगापिक्सल प्लस 48 प्लस 32। अब ये दोस्तों 32-32 करके क्या करना चाह रहे हैं पता नहीं, लेकिन 5000 mAh की बैटरी, 100 वाट का फास्ट चार्जिंग। बस यहाँ पर फास्ट चार्जिंग जो है दोस्तों उसको स्लो कर दीजिए, वरना दोस्तों आपका फोन तो फटते रहता है। गजब बेइज्जती है। आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप Xiaomi की। तो सबसे पहली खबर ये है कि Xiaomi ने एयरटेल के साथ कोलैब करके ये कर दिया कि 5G दोस्तों इंडिया में कहीं ना कहीं देखा जाएगा एयरटेल और दोस्तों Xiaomi का कोलैबोरेशन में। वहीं दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि Redmi का Note 12 जो है दोस्तों इसमें कुछ नया तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाएगा और इसका पोस्टर आ गया है और 25 अक्टूबर को दोस्तों ये चाइना में लॉन्च होगा और दोस्तों 14 नवंबर तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। बार बार बोल रहे हैं वो लोग, बोल रहे हैं कि फरवरी मार्च तक आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है, आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए। वहीं दोस्तों Xiaomi ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें दोस्तों बहुत सारे फ़ोन है और ये सारे फ़ोन में दोस्तों 5G अब 100% सपोर्ट करेगा, इस तरह की कुछ बातें चल रही है, आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए। वहीं दोस्तों Xiaomi जो है मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया है अपने कार का, जो इलेक्ट्रिक कार आने वाला है दोस्तों Xiaomi की तरफ से, इस तरह के कुछ अपडेट है, आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं iQOO की। iQOO का दोस्तों 10 सीरीज का फर्स्ट लुक देखना चाहते हैं तो ये रहा स्क्रीन में, 8th Generation 2 के साथ आएगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं iQOO का जो दोस्तों न्यू 7 आने वाला है, ये एक गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन होगा और इसके साथ कुछ गैजेट्स भी लॉन्च होंगे जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको ये दोस्तों कैसा लगा कमेंट में ज़रूर। तो दोस्तों टेक न्यूज़ होती है ख़त्म। बात करते हैं डील्स और ऑफर की। तो दोस्तों इन्फिनिक्स का अगर लैपटॉप लेना चाह रहे हैं X1 या X2 दोस्तों, तो 3000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है फ्लिपकार्ट में। वहीं दोस्तों बात करते हैं Xiaomi का 12 Pro, ये दोस्तों 45,990 रुपये मतलब 46,000 में मिल रहा है, तो काफ़ी ज़बरदस्त ऑफर है, 15,000 का डिस्काउंट मिल रहा है इसमें। तो जाइए खरीदिए, बाय करिए और बताइए दोस्तों आपको कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।